ठाकुर आशीर्वाद जो आम आस बलदाण शु शु समस्त शुंतु आसिक आम कुछ जन बस जय जगन्नाथ तो सांग मैंने एबे आमे संध्या समय टिके बाहरी छु मार्केट टिके बुलाबुली करिया पई तो पुरी रे एबे आमे तो रही छु तो एठी पाखो जो उठी गोटे मार्केट रही छु तो से छक को आमे जीवा बाहरी छु तो सेठी कोन टिके नाश्ता मस्ता करिया को जीवा सेठी नै टिके बुलाबुली करिया पई भी टिके जीवा आ एपटे रघु माछ देखु छन खाली वर्षा हेगला तो माछ खाली रात रे पपळ धरा हे छि तो पुणी आसी देखु छन एपटे रघु माछ बहुत माछ कौ माछ तापरे जिया माछ शेवल ए सब बड़ बड़ माछ सब धरा हे काली रात दि तीन के जी धरा हे माछ तो चल ए मार्केट कौन किए बुलाबूली कर नास्ता फास्ता कर आसवा ये रही सापड़ा जी जो छकटा रही छक को जी नुआ आइटम ना दुकानी को पचारे कहन एटा कौन आइटमटा फाइनल पचारल कौन आइटमटा एटा चना मसाला गरम गरम तैयारी चलो खाइबा टेस्ट करवा कौन केमती नुआ आइटम गोटे कौन सब देखते बादाम छोला सेव प्याज कोबी सेव सब पड़ी तो देखा जो कौन आइटम के टेस्ट है देख खाई तो सांग मैंने आम आसते एक छक को सापड़ा जावाई रास्ता ब्रह्मगिरी जावाई रास्ता सेपटे रही लोकनाथ जावाई रास्ता यही छक गोटे नुआ आइटम आज आसिक खाइलु संध्या समय कौन सी छोला नड़िया को छोला नड़िया छोला छोला नड़िया तो से दुकानी कहले मैंने पुह पा मैंने से गुड़ा खाती झील पिला खाती कहीं बॉडी बिल्डर बहुत आइटम देले घी फिह देपर काजू जूस देले बहुत किसी मिसेक मैंने से मिक्स होकर खाया दे बहुत भी टेस्टफुल थिला तो मुझ पचारि भाई को कहला तुम घर तो पूरी प्रसिद्ध सेटा कौज पूरी प्रसिद्ध सोला नड़िया आम तो जानू आम घर तो केन्द्रापड़ा आम कौन पर जानवु तो पूरी रहा कौन प्रसिद्ध तो जे भी खाई पूरी को आसिक तो निहाती कमेंट करेंगे तेरे संध्या समय आम बुलाबूली करने आस छक को टिफिन कर सांग मैंने आम राति बाहरी चु एक कम तो बोलर एवं जाऊँ तो गाड़ी में समस्ते बस तो जीवा बड़दाण्ड को एक कम तो कौन हो तो चलतु बड़दाण्ड जा पहुँचला आपण मन को कह कौन आस बड़दाण्ड को राति एगारटा समय तो सांग मैंने देखते संध्या हम राति संध्या तो नुह राति दसटा तो दसटा उपर हम आम आसलु बड़दाण्ड को तो एपटे रथ तैयारी अधा सर जा तो आम एपट दे आसल से पछपट दे आसलुनि तो गाड़ी आम आसलु अलग गोटे कम सब रथ काट सब बेस हो तो गाड़ी लोड हो रथ तैयारी सर जा तो से सब सफासफी हो तो एक्चुअली कथाटा है तो आम डेली मंदिर आसू तो मंदिर आसवा भितर तो आम सागर चिन्ना हो जाता तो ये जो मैंने कम करूँ आम जोटू मान आम गाँ पाने जो कम करते जो इंजीनियर सागर चिन्ना हो जाता तो सी आम को आज डाक आणला जे चल बड़दाण्ड में आज टिके कम अच्छी आउ से कामटा तुम करी आसीबो तो सेतिपाई आमे समस्ते आसचु तो ये देखो घोड़ा
रंग कम सरी ये छिड़ा है तीन टी रथर घोड़ा तो जो जे बैरिकेड जो देखुंत आपण मैंने जो शिव मंदिर चारिपटे जो बैरिकेड गुड़ा दिया जो फाइबर बैरिकेड गुड़ा तो आमर जो उठी काम होता जो इंजीनियर आमर काम देखाशुना करते तो सी आम सागर चिन्ह है तो ये से कम गोटे धरते तो आम पा डाक आसिले चल से मंदिर सामने किसी बैरिकेड गुड़ा हटेदेव आउ चल मंदिर विषय भी बुलाबूली कम भी हो रथ देखु संध्या राति समय रे सब रथ छिड़ाई तो तैयारी सर जा रथ राति एगारटा हम आम आसिक बरदाण्ड पहुँचीचु तम पा सब आगे चलते कौन सब कम कि ना कि जो फाइबर जो बैरिकेड गुड़ा आपण मैंने आसते जो श्रीमंदिर को मंदिर ये बैरिकेड गुड़ा देखुं ये बैरिकेड गुड़ा कौन गाड़ी रे लोड हम से आमको डाक आगे धराधरी कर देखु सेपट हाँ सेपटे जो बैरिकेड गुड़ा रही से बैरिकेड गुड़ा सब हटेवा एगुड़ा नुह पा सब चलती तो आम खाई टिके रेस्ट करूँ तो आमको डाकिले फोन करें आसल तो मंदिर ठाकुर भी दर्शन होम भी हो ठाकुर कम लगे बहुत खुशी तो रथ तो देखु के सुंदर भाव मान सजा सर जा आज रातिर समय देखु आ कि दिन पर रथ यात्रा आरंभ हम तो से रथ सब या देखे आम पाने समस्ते मंदिर सामने कम सब जोरसोर से चलती महाप्रभु ये विराजमान करे चल रथ भी दर्शन हो मंदिर भी दर्शन होम भी हो बहुत खुशी लगुच बर्तमान में आस ठाकुरों पर किसी कर बहुत खुशी सुंदर भाग में झटी चिता सब अंका अंकी हो कते सुंदर भाव में सब झटी आंकी बड़दाण्डर देखते श्रीमंदिर के सुंदर भाव में झलसी पूरा आमर पा मैंने एपट सब सहीगला आसिक बड़दाण्ड सब कौन हूँ ये कौन हूँ बड़दाण्डर भिकारी छोट छोट भिकारी प्रभु भिकारी आ प्रभु को डाकिले से आस बड़दाण्ड सही पड़ा प्रभु को डाकुंट देखते समस्ते आसिक सही पड़ी बड़दाण्ड में दूरदा भी धीरे धीरे सही पड़ला आसिक तो चल ये बस बड़दाण्ड हाँ तो एम भाग्य थिले मिले बड़दाण्ड में आसिक शोवा
ଯିଏ ଭାଗ୍ୟ କମାଇଥିବ ସିଏ ଆସିକରି ଶହିବ। ତ ଯାହା ବି ଆମ ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ ଏଠି ଆସିକି ବସୁଛନ୍ତି ଏପଟେ ତାଙ୍କ ତୁମେ ଆମ ସବୁ ପିଲାମାନେ ଆସିକି ଏଠି ସବୁ ଶହି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନରେ। ଆଉ ଦୁଇ ଦିନ ପରେ ଏଠି ରଥ ଆସିକି ଛିଡ଼ା ହେବ। ଜଗତରେ ପଡ଼ିବୁନି ଏମିତି ଠାକୁର ଟିକେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଫାଇନାଲି ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଆସିକିରି ଶୋଇ ପଡ଼ିଛୁ। ତ ଏମିତି ଭାଗ୍ୟରେ ଥିଲେ ମିଳେ। ତ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଆସିକିରି ଶୋଇବା ଭାଗ୍ୟରେ ଥିଲେ ମିଳେ। ତ ଠାକୁରଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଯୋଗୁଁ ଆମେ ଆସିକିରି ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଶୋଇଛୁ। ତ ଠାକୁର ଯାହା ଇଚ୍ଛା ସେ ତାହା କରିବ, ଆମେ କିଛି ନିମିତ୍ତେ ମାତ୍ର। ତ ଯାହା ବି ହଉ ଆମେ ଯେହେତୁ ଆସିଥିଲୁ ଏକ କାମରେ, କାମ ତ ଚାଲିଛି ସେପଟେ ତାଙ୍କର କଟାକଟି ଚାଲିଛି, ତ ଆମେ ଆସିକିରି ଶୋଇଛୁ। ତ ଠାକୁରଙ୍କର କାମ କରିବାକୁ ଯେଉଁ ମଜା ଲାଗେ ଆଉ ଅଲଗା କାମରେ କିଛି ମଜା ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ମାନେ ରୁମ୍ରେ ଶୋଇଥିଲୁ। କାହିଁ ରୁମ୍ରେ ଶୋଇବୁ, ଚାଲ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଟିକେ ଶୋଇବା, ଆଉ କାମ ବି ହବ ଆଉ ଶୋଇବା ନହେଲେ ଆଉ ସେପଟେ ଯାଇକିରି ଆଉ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆସିଛୁ। କ'ଣ କହିବୁ ଭାବିଲେ ଭଲ ତ? ହଁ ଠାକୁରଙ୍କ କାମ କଲେ ଯାହା ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଳିବ ସେଇଟା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆସିଛୁ। ଆସିକି ସମସ୍ତେ ଦେଖନ୍ତୁ ଅଧିକା ପଡ଼ିଛନ୍ତି ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ। କ'ଣ ହବ କାମ ସେପଟେ କାମ ତାଙ୍କର କରୁଛନ୍ତି, କଟାକଟି ଯେଉଁ ମିସ୍ତ୍ରୀ ରହିଛି ସେ ତାର କଟାକଟି କରୁଛନ୍ତି। ତ ଆମେ ଆସିଛୁ ଏଠି ବସିଛୁ ଶୋଇଛୁ, ସମସ୍ତେ ଶୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି ଆସିକରି। ଆମେ କିଛି ଜଣ ବସିଛୁ, ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ବସିଛନ୍ତି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଯାହା ବେଲେ ଠାକୁରଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ, ଠାକୁରଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନ ମିଳିଲେ କିଛି ହେବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଏମିତି ଭାଗ୍ୟରେ ଥିଲେ ମିଳେ, ଭାଗ୍ୟ ଯଦି ଥିବ ତାହେଲେ ଆସିକିରି ଆପଣମାନେ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଶୋଇବେ ବସିବେ, ଆଉ ମନ୍ଦିର ବି ଦର୍ଶନ ମିଳିବ। ଆଉ ଭାଗ୍ୟରେ ନଥିଲେ କିଛି ମିଳିବନି, ବା ଆସିବେ କିନ୍ତୁ ଦର୍ଶନ ମିଳିବନି, କିଛି ମିଳିବନି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଭାଗ୍ୟରେ ମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଠାକୁରଙ୍କ ଦର୍ଶନ ମିଳୁନି। ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଆସିଛୁ କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଠାକୁର ଶୋଇଛନ୍ତି ଜ୍ୱରରେ, ତ ତାଙ୍କର ଦର୍ଶନ ମିଳୁନାହାନ୍ତି। ଏଥର ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଶୋଇଛୁ, ତ କେତେବେଳେ ଠାକୁର ବାହାରକୁ ଆସିବେ ବା ରଥରେ ବସିବେ ଆମେ ଦର୍ଶନ କରିବୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆସି ଏଠି ଅଧିକା ପଡ଼ିଛୁ। ତ ଯାହା ବି ହଉ ସେଥିପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ବି କାମ କରିବା, ଆଉ ଠାକୁର ବି ଦର୍ଶନ ହେଇଯିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ କେତେ ମାନେ ଜଲ୍ଦି ଠାକୁର ବାହାରକୁ ଆସିବେ, ରଥକୁ ଆସିବେ, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ରହିଛି ଅଲଗା ଯେଉଁ କାମ ବାଧା ଦେଉଛନ୍ତି, ତ ସେ କାମ ସରିଲା ପରେ ଠାକୁର ଜଲ୍ଦି ବାହାରକୁ ଆସିଯିବେ, ମାନେ ରଥକୁ ଆସିଯିବେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଆମେ ତା ନ କରି ଆମେ ପଳେଇ ଆସିଲୁ, କାହିଁକିନା ଠାକୁର ଯେହେତୁ ରଥକୁ ଆସିବେ ଡେରି ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ଆମେ କହିଲୁ ଚାଲ ସମସ୍ତେ ସେଇଟା କାମଟା ଶେଷ କରିବା, ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ହେବ ଆମେ ଠାକୁର ଦର୍ଶନ ମିଳିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆସିଛୁ ଏଠି ବସିକି, ସମସ୍ତେ ଯେ ବ୍ଲଗ୍ କରୁଛି ଯେ ଫଟୋ ଉଠାଉଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଦେଖନ୍ତୁ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡର ଧୂଳି ମୁଣ୍ଡରେ ଥାଉ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ତ ମୋର କିନ୍ତୁ ଜ୍ୱରରେ ତଣ୍ଟି ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା, ତ ତା ବି ସତେ ମୁଁ ଆସିକିରି ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ବସିଛୁ। ଠାକୁରଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଥିଲେ ତ ଭଲ ହେଇଯିବ ନିହାତି। ତ ଯେଉଁ ଗାଧେଇଥିଲୁ ବିଚ୍ରେ ଯାଇକିରି, ତ ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ଜ୍ୱର ହେଇଯାଇଥିଲା, ତ ସେଥିପାଇଁ ବି ତଣ୍ଟି ବି ଠିକ୍ସେ ମୁଁ ଭଏସ୍ ବି ବାହାରୁନି। ସେଥିପାଇଁ ଯାହା ବି ହଉ, ତ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଆସିଛି ବସିଛୁ ଠାକୁରଙ୍କର ଗୁହାରେ, ଠାକୁରଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଥିଲେ ସବୁ ଭଲ ହେଇଯିବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜଗତରେ ପଡ଼ିବୁନି ଏମିତି ଠାକୁର ଟିକେ, ଭଗତ ହାତରୁ ଯିଏ ସ୍ନେହରେ ମାଗିକି ଥାଏ, ଭଗତିରେ ଟିକେ।
सांग मैंने देखो जो रथ ज रथर ब्रेक देखु केमती तो ये हूँ रथ रथर चका सामने पटा तो देखो रथ केमती सुंदर भाव में सजाई ये हूँ रथर ब्रेक जय जगन्नाथ यार लॉक सब लगी ब्रेक ब्रेक एटा आमे जो रथ देखिले तो सेठी पुलिस भाई मैंने समस्ते सुरक्षाकर्मी रही रथ पाखे तो पाखक जी दौरान कि बेस समय ढाई दौना तो से आम पलि आस तो सांग मैंने फाइनाली आम कम जो बड़दाण्ड में आसलू कम तो सरी जाए तो ये घर को जीवा रिटर्न कलु रूम को तो आपण मन को कमी लगेगा ब्लॉग टी तो निहाती कमेंट करेंगे भल लगे निहाती लाइक करेंगे जय जगन्नाथ।